हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विनीत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम जा रहे हैं चंडीगढ़। गुनगुन बैठी है अपने पापा के साथ और साथ में बैठे हैं उसके चाचू। हमारे साथ मनदीप भी जा रही है। तो ये वीडियो बनाया था मैंने कल, मतलब संडे को। हम गए थे चंडीगढ़। चंडीगढ़ में लगी थी सेल। जितने भी रिनॉन्ड ब्रांड्स थे उनके ऊपर 80% ऑफ था। और ये लगी थी किसान भवन में। गुनगुन बैठी अपने पापा के साथ। वैसे तो ये सेल लगी थी फ्राइडे को, 8th को, और ये 10th तक ही थी, संडे तक कल। और बाकी जब हम घर से निकले थे तो एकदम से बारिश शुरू हो गई। सुबह तक तो धूप थी और मौसम इतना अच्छा हो गया, आप देख ही रहे हैं, आपको बारिश दिख रही होगी शीशों पे। गुनगुन जो है वो मेरे पास आके बैठ चुकी है और उसे नींद बहुत तेज़ आ रही है। तो हम पहुंच चुके हैं किसान भवन और यहाँ पे रश बहुत है। तो गाइस, चेक आउट विद मी और देखते हैं अंदर क्या क्या है। मैं आपको सब कुछ दिखाती हूँ। तो हम वहाँ से निकल चुके हैं। वहाँ पे कुछ खास था नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी आज लास्ट डे ही गए थे। तो फिर भी हमने वहाँ से दो रूम फ्रेशनर ले लिए। अब हम जा रहे हैं सेक्टर 15 की मार्केट। वहाँ हम खाने जा रहे हैं मोमोज, वहाँ के फेमस मोमोज। हम सेक्टर 15 की मार्केट पहुंच चुके हैं। बहुत बड़ी मार्केट है ये। यहाँ पे आपको खाने में इंडियन, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल सब कुछ मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे कपड़ों की भी मार्केट है। आपको घर का कुछ भी सामान चाहिए वो भी मिल जाएगा। मोमोज आ चुके हैं और देख के तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है इस समय। और ये है चिकन स्टीम मोमोज। इतने टेस्टी हैं गाइस। आप यहाँ पे कभी भी आते हैं सेक्टर 15 में, यहाँ पे हंगरू की शॉप है, वहाँ से आप ये मोमोज ज़रूर ट्राई कीजिए। गुनगुन ने अभी अपनी प्लेट पकड़ ली और वो कह रही है मैं भी खाऊंगी। और ये अब है चिकन कुरकुरे मोमोज। ये भी यहाँ की स्पेशलिटी है। तो गाइस, ये कुरकुरे मोमोज जो हैं ये भी बहुत टेस्टी हैं, चिकन कुरकुरे मोमोज। और बाकी हंगरू पे जो हमने अभी तक ट्राई किया है वो है चिकन कुरकुरे मोमोज, स्टीम मोमोज, यहाँ का शवरमा वो भी बहुत टेस्टी है, और एक चिकन वाइट पास्ता वो तो अमेजिंग है। और ये कोल्ड कॉफ़ी भी बहुत टेस्टी है। गुनगुन बहुत शरारती हो गई है। अब हम जा रहे हैं चंडीगढ़ से मोहाली। बाकी आज का दिन जो था वो काफ़ी अच्छा रहा, हम सब ने काफ़ी इंजॉय किया। We'll be right back.
शाम के 6 बज चुके हैं, बस अब थोड़ी देर में हम घर भी पहुंच जाएंगे। गुनगुन भी काफ़ी थक गई है, दोपहर से ही जागी हुई है। अब घर जाके मैं उसको सुलाऊंगी। बच्चे के साथ वैसे ही ट्रैवल करना बहुत टफ हो जाता है। सोच के तो हम आए थे कि आज हम बहुत कुछ लेंगे, बट आज ले नहीं पाए क्योंकि कुछ था ही नहीं। हम लास्ट डे गए थे तो लास्ट डे में तो वैसे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि फर्स्ट डे और सेकंड डे में ही लोग टूट के इतना पड़ते हैं कि सब कुछ खाली कर देते हैं। तो हमारे लिए तो आज कुछ भी नहीं था। वैसे तो हमने सोचा था कि आज हम निकले हैं तो हमको घर पहुँचते पहुँचते 10 बज जाएंगे, बट पता नहीं था कि इतनी जल्दी फ्री हो जाएंगे क्योंकि वहाँ पर कुछ था ही नहीं जहाँ हम गए थे शॉपिंग करने। अब हम बस ये फर्नीचर मार्केट तक पहुँच गए हैं। तो ये फर्नीचर मार्केट भी काफ़ी बड़ी मार्केट है, तो यहाँ पे सब तरह का फर्नीचर मिलता है, पुराना भी और नया भी, रीजनेबल रेट पे। तो बस अब हम कुछ ही देर में घर पहुंचने वाले हैं अपने। तो इस वीडियो को अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। बाय बाय गाइज़।